अस्सलाम वालेकुम सना क्विक नाइज में आज सबको खुश आमदी। जो मैं बनाऊंगी मैंगो कुल्फी, इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। कप मैंगो प्यूरी, 1 कप क्रीम, 1/2 कप कंडेंस मिल्क। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद हो आप नॉर्मल ऐड कर सकते हैं। बाउल में मैं क्रीम लूँगी, मैंने ऑल पर्पस की क्रीम ली है। उसको अच्छे से बीट करेंगे हैंड बीटर से या फिर आप बिस्ती भी कर सकते हैं। बीट करने के बाद उसको मैं थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि क्रीम ठंडी हो जाए। देन अगेन मैं उसको 10 मिनट और बीट करूँगी। क्रीम के अंदर मैं 1/2 कप कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी और उसको अच्छी तरह से बीट कर दूँगी 4-5 मिनट्स के लिए। अच्छे से बीट करने के बाद उसके अंदर मैं 1 कप मैंगो प्यूरी ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसके अंदर मैंगो चंक्स भी डाल सकते हैं और उसको आपको बीट नहीं करना, फोल्ड करना है ताकि क्रीम कंडेंस मिल्क और मैंगो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। 5 से 10 मिनट को अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कंबाइन हो जाए। आप इसके अंदर मैंगो के चंक्स भी डाल सकते हैं, येलो कलर भी फूड ऐड कर सकते हैं, दोनों ऑप्शनल है। अब ये मिक्सर अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको मैं कंटेनर बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग, मैंने डिस्पोजल कप्स में डाले हैं। और इसको थोड़ा सा मिक्सर ऐड करें, आप इसको ज़्यादा मिक्सर ऐड नहीं करना, थोड़ा सा मिक्सर ऐड करना है इसके अंदर। इसके बाद क्लिंग शीट से उसको अच्छी तरह से रैप करना है, या फिर किसी कंटेनर में या फिर डिस्पोजल ग्लास में डाल सकते हैं और उसको फ्रीजर में रख दें 4-8 आवर्स के लिए। मैंगो कुल्फी मज़ेदार सी रेडी है, ट्राई ज़रूर करिएगा, लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब।